नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, भारत के सबसे रईस बिजनेसमैन, टाइकून और दुनिया के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी जल्द ही राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। दोनों की शादी की प्री वेडिंग सेरेमनी 1 से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में हो रही है। प्री वेडिंग के फंक्शन में शादी में बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग जैसी कई इंटरनेशनल हस्तियां शामिल, शॉलीवुड सेलेब्स का भी जमावड़ा लगने वाला है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत राधिका की आलिशान शादी में सबसे ज्यादा खर्च होने वाला है। वहीं अनंत राधिका इस शादी के बाद इतिहास रच देंगे। जी हां, बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत की शादी में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं, यानी कि अनंत अंबानी की शादी परिवार के साथ देश की भी सबसे महंगी शादी हो जाएगी। ईशा अंबानी है देश की सबसे महंगी शादी। देश में सबसे महंगी शादियों की बात करें तो उसमें ईशा अंबानी की शादी टॉप पर है। मुकेश अंबानी ने अपनी लाडली की शादी में दिल खोलकर 700 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद सुब्रत रॉय की शादी दूसरी सबसे बड़ी शादी थी। ईशा अंबानी ने शादी में 90 करोड़ रुपए का लहंगा पहनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जबकि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा की शादी की कुल बजट ही महज 90 से 95 करोड़ रुपए था। siyasat.com के रिपोर्ट्स के अनुसार अनंत राधिका की आलिशान शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। अनंत राधिका बनाएंगे रिकॉर्ड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह शादी परिवार के सबसे महंगी शादी होगी। वह देश की ये सबसे महंगी शादी हो जाएगी। सबसे ज्यादा खर्च साज सजावट और लाइव शो पर खर्च होगा। बता दें कि ईशा की शादी में मीका सिंह ने 10 मिनट शो के लिए 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। अनंत की शादी में रिहाना लाइव शो करेंगी, अरिजीत सिंह का भी लाइव परफॉर्मेंस किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सबसे महंगी शादी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका की होने वाली है। बाकी इस जानकारी पर आपकी क्या राय है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।